हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं HTML इन वन वीडियो। HTML हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, और सारे कंपोनेंट्स, सारे एलिमेंट्स HTML का कवर करेंगे, फ्रॉम व्हाट इज HTML, हाउ टू कोड इन HTML, HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML को कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से टैग इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको HTML सीखना है, वेबसाइट बनानी है, तो आप कंप्लीट वीडियो वॉच करिए। इस वीडियो में मैं फॉर्म को नहीं कवर करूंगा। फॉर्म को कवर करने के लिए मैं अलग से नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को ही कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और नई वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग डेली लाते हैं ऑसम वीडियोज। अब चलिए हम लोग बात करते हैं HTML के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं HTML क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। और अगर एक बार स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है तो उस पर हम लोग फिर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उस पर मोशन और एक्शन अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। और जो डिज़ाइन करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। दैट मीन्स सबसे पहले हमें एक ढांचा रेडी करना होता है जो हम लोग करते हैं HTML के हेल्प से, और उसके बाद उस पर हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट बना सकते हैं डिजाइनिंग करके, इमेजेस लगा के, बहुत सारी चीजें करके। और उसके बाद हम लोग एक्शन और मोशन, यूजर इंटरेक्शन, सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, और वेब के फ्रंट एंड डेवलपर को तीन चीज हमेशा आनी चाहिए। सबसे पहला HTML, दूसरा CSS और तीसरा जावास्क्रिप्ट। HTML इज फॉर स्ट्रक्चरिंग, आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए वेब पेज का। दूसरा CSS फॉर डिजाइनिंग पर्पस के लिए, और तीसरा है फॉर जावास्क्रिप्ट, जो है वो एक्शन और मोशन, फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशन, ये सब चीज उसको चलाने के लिए फ्रंट एंड पे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं HTML को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें चाहिए HTML को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला हमें क्या चाहिए, HTML को लिखने के लिए एक एडिटर चाहिए। तो मेरे पास, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे नोटपैड यूज़ कर सकते हो जो सिंपल सबके में इंस्टॉल होता है, सिंपली आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप जाके सबलाइम की वेबसाइट पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर सकते हो, आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो, और आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स अलग अलग तरीके के एडिटर आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ये वाला एडिटर, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करना है, फिर कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं गूगल क्रोम और चलते हैं इंटरनेट पे, और गूगल सर्च पे करते हैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड। और जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी www.sublimetext.com, इस वेबसाइट पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे मुझे दिखेगा सबलाइम टेक्स्ट 3 में भी डाउनलोडेड फ्रॉम सबलाइम टेक्स्ट 3 पेज। तो हम इस टेक्स्ट 3 वाले पेज पे क्लिक कर देंगे सिंपली, और यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट 3 इज अ करंट वर्जन ऑफ सबलाइम फॉर ब्लीडिंग एज रिलीजेस, यहाँ पे दिखाएगा वर्जन ऑफ सबलाइम 3। तो अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो मैक ओएस पे क्लिक कर दिए, विंडोज अवेलेबल पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा विंडोज 64 वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप इस विंडोज 64 वर्जन पे क्लिक करेंगे, आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर एक बार स्टार्ट हो गया, फिर आप क्या करोगे, ये डाउनलोड कर लोगे। जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप वेट करोगे। जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, आप सिंपली उस डाउनलोड वाली जो फाइल होगी उस पे सिंपली डबल क्लिक कर दीजिएगा। डबल क्लिक किस लिए करेगा, इस सेटअप को रन करने के लिए, जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। जब आप डबल क्लिक कर दोगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। एग्रीमेंट वगैरह पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, बट ये नेक्स्ट 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 करके उसको सिंपली इंस्टॉल करके फिनिश कर लीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल कर दोगे, जब आप इंस्टॉल कर दोगे तो आप यहाँ पे ये देखिए विंडो मेन्यू पे आप क्लिक करिए सिंपली, और यहाँ पे टाइप करिए सबलाइम SUB, आपको सबलाइम 3 का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे इस ऑप्शन दिख जाएगा तो इस पे यहीं पे क्लिक करके रन कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पिन टू टास्क बार, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपका जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का आइकन होगा वो देखिए टास्क बार में आ जाएगा। जब भी आपको सबलाइम चलाना होगा तो आप यहीं से सिंपली क्लिक करके सबलाइम टेक्स्ट एडिटर चला सकते हो। और एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आप चीज़ों को लिख सकते हो, फिर हो जाए
जावा का कोड हो, HTML का कोड हो, CSS का कोड हो, जावास्क्रिप्ट का कोड हो, फिर हो चाहे पाइथन का कोड हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आप सबलाइम से लिख करके नोटपैड से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर जो आ गया, इसका मतलब हम लिखेंगे इस वाले सॉफ्टवेयर पे, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। तो हमारा लिखने वाला सॉफ्टवेयर आ गया। लेट अस सपोज अगर हम बहुत सारी कोडिंग कर लेते हैं तो एग्जीक्यूट कहाँ होगा वो कोड? एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल, क्योंकि ये जो HTML है वो वेब पेज होता है, तो HTML वेब पेज को रन करने के लिए हमारे पास जो ब्राउज़र होता है वही हमारा काम कर देगा। ये जो ब्राउज़र है, और अभी हम लोगों ने कोई भी पेज अगर मैं ओपन करूं, जैसे हम ओपन कर लेते हैं टेक्स ऑफ इंडिया का होम पेज, तो ये जो वेब पेज बना हुआ है ये HTML से ही बना हुआ है, ये सारा HTML से ही बना हुआ, और इसको रीड कर रहा है क्या गूगल क्रोम? रीड कर रहा है और उसका मतलब बता दे रहा है। तो हमें अपना भी HTML भी रन करने के लिए यही ब्राउज़र चाहिए। अब आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हो, फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो, एज यूज़ कर सकते हो, मैक ओएस यूज़ कर रहे हो तो आप सफारी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको एक ब्राउज़र चाहिए चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट मीन्स वेब पेज को, डॉट HTML फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मेरे पास दोनों सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर लिखने के लिए और यहाँ पे ब्राउज़र अवेलेबल है सिंपली क्या करने के लिए, रन करने के लिए उस फाइल को जो हम लोग लिखेंगे। अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं HTML। तो हम लोग स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे सिंपली और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे सिंपली, और फोल्डर का नाम दे देंगे HTML अंडरस्कोर वीडियो और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे एक HTML वीडियो का फोल्डर आ गया और हम लोग अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे और धीरे से यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। तो आपको ऊपर से पकड़ना है और यहाँ इसको धीरे से नीचे लेके आना है और फिर इस वीडियो, इस वाले फोल्डर पे HTML वीडियो पे ट्रैक करके इस सबलाइम में लाना है। इससे होगा क्या कि ये वाला फोल्डर आपके सबलाइम में ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा देखिएगा, ये देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देख पाओ ध्यान से, तो यहाँ पे HTML अंडरस्कोर वीडियो का एक फोल्डर आ गया। इस फोल्डर में अब कोई हम लोग यहीं यहाँ से भी फाइल बना सकते हैं और यहाँ जाके भी आप फाइल बना सकते हो, कोई इशू नहीं, कहीं से भी फाइल बनाओ एक ही जगह फाइल ओपन होगी। तो आपके पास ये ऑप्शन था ड्रैग एंड ड्रॉप करने का, या आप क्या कर सकते हो सिंपली फाइल पे जाके यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा और सिंपली आप डेस्कटॉप पे चला जाएगा और अपना वाला जो फोल्डर होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा। और ये इतना ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इससे सिंपल कोई चीज़ नहीं है। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि हम लोग को HTML कैसे स्टार्ट करना है, ये तो हमको पता चल गया HTML होता क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग वेबसाइट्स को बना सकते हैं। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ टैग्स, HTML टैग्स, कैसे लिखना है टैग्स, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो आपको लिखने के लिए सबसे पहले एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो अपने फोल्डर पे देखिए फोल्डर है, सिंपली अपने फोल्डर पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे न्यू फाइल क्लिक कर दीजिए। जब फाइल बन जाएगी तो ये अभी फाइल सेव नहीं हुई, आप सिंपली इस फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने कंट्रोल एस पे क्लिक कर दिया तो ये आपको डेस्टिनेशन दिखा देगा कि ये फाइल सेव कहाँ हो रही है। आपको एक बार क्रॉस चेकिंग करनी है कि ये जो फाइल है वो HTML वीडियो हमारे वाले फोल्डर में हो रही है कि नहीं है। तो अभी तक तो मेरा परफेक्ट है, हमारे वाले फोल्डर में हो रही है, और यहाँ पे नाम दे देंगे। तो एक सिंपल सा अच्छा सा नाम कोई दे दीजिए, तो हम यहाँ पे देते हैं इंडेक्स, और इंडेक्स अगर आप दे के एंटर कर दोगे तो चीज़ें गलत हो जाएंगी, क्योंकि जब भी आप कोई फाइल बनाते हो उस फाइल का एक्सटेंशन भी बताते हो कि वो किस टाइप की फाइल है। अगर हम यहाँ पे .html लिख देंगे तो ये जो फाइल होगी वो HTML की फाइल बन जाएगी। अगर आप HTML भी लिख दोगे तब भी HTML की फाइल बन जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको HTML की फाइल बनानी है तो .html लिखना मस्ट है, और फिर आप सिंपली क्या कर दिए, सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक फाइल बनके रेडी हो जाएगी। आप यहाँ देख भी पाओगे कि यहाँ पे HTML index.html की एक फाइल बनके रेडी हो गई है, और राइट हैंड साइड में यही वाली फाइल यहाँ पे ओपन है। अब हम लोग को यहाँ पे कोड लिखना है, तो चलिए हम कुछ कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि HTML में कुछ भी लिखने के लिए आपको टैग का यूज़ करना पड़ता है। टैग, जैसे मैं सिंपली एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कोडिंग करनी होती है तो अगर आप कोडिंग करने के लिए क्या करते हो, सिंपली कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हो, यहाँ पे क्या है टैग्स को ओपन करते हैं। सपोज आपको HTML में कोडिंग लिखनी है तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है HTML टैग, और ये सबका रूट टैग होता है, दैट मीन्स सबसे ऊपर HTML टैग हुआ। तो सिंपली आप HTML लिखिए, और अगर सबलाइम पे हो तो आप सिंपली टैब दबा दीजिए। जैसे ही आप टैब दबाओगे तो यहाँ पे देखेंगे HTML का टैग ओपन हो जाएगा और HTML का टैग क्लोज हो जाएगा। इसको आप खुद से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे HTML लिख दो, HTML, और आप इस टैग को
लेस देन का साइन लगाओ, स्लैश लगा के बंद कर दो। जैसे ही अगर आप इतना काम कर देते हो तो आपका HTML वाला टैग ओपन हो जाता है और HTML वाला टैग क्या हो जाता है, सिंपली क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स ही लिखने हैं। जैसे HTML टैग लिखा वैसे हेड टैग होगा, बॉडी टैग होगा, हेडिंग टैग होगा, पैराग्राफ टैग होगा, इसी तरह लॉट ऑफ टैग्स। HTML कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ टैग्स, HTML टाइटल, बॉडी, हेडिंग, स्पैन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और HTML करता क्या है, हमारे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है। दैट मीन्स पहले हम इससे स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर उसी पेज पे CSS और जावास्क्रिप्ट लगा के उसको और भी अच्छा बनाएंगे, स्टाइलिंग करेंगे और एक्शन वगैरह भी अप्लाई करेंगे। सेम उसी तरह जैसे हम लोग क्या, हम लोग की बॉडी जो होती है, स्केलेटन जो हमारी बॉडी में होता है वो होता है HTML। और जब भगवान ने बनाया तो सबसे पहले स्केलेटन बनाया होगा, जैसे ह्यूमन का ढांचा बनाया होगा। ढांचा मीन्स स्केलेटन। अगर एक बार स्केलेटन बन गया तो फिर उसके बाद बहुत सारी डिज़ाइनिंग हुई होगी, उसके ऊपर हमारे खाल वगैरह लगाई होंगी, बाल बाल लगाए गए होंगे। दैट मीन्स स्टाइल किया गया है बाद में, और स्टाइल हुई है बेसिकली CSS की हेल्प से। फिर हम लोग एकदम प्रॉपर लुक में आ गए हैं CSS अप्लाई करने के बाद। उसके बाद हमारा, जैसे हमारा एक्शन होता है, एक्शन करना होता है, मोशन करना होता है, यूज़र हमसे इंटरेक्ट करते हैं, तो जो भी काम करना होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। तो हमारे ही पार्ट के तीन हिस्से, हमारी जो बॉडी है वो तीन हिस्सों से मिलके बनी है। सबसे पहले HTML, दैट मीन्स स्केलेटन हुआ हमारा ढांचा, बेसिक ढांचा, वैसे ही हमारा। फिर स्टाइलिंग हुई मतलब CSS, और फिर हमारा एक्शन मोशन, ये सारी चीज़ें हुई। वो किसकी हेल्प से हुई, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से हुई, जावास्क्रिप्ट से हुई। आप कोई भी काम करते हो, जैसे आप एक कार बना रहे हो, कार, तो सबसे पहले कार का ढांचा बनाओगे। दैट मीन्स आप एंगल लोहे का लगा के उसको क्या करोगे, रेडी करोगे, उसके बाद फिनिशिंग करोगे उस पर, आप पेंटिंग वगैरह करोगे, तो आप उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हो CSS की हेल्प से। और जो आपने ढांचा बनाया था वो इंडेक्स, जो आपने ढांचा बनाया था वो स्ट्रक्चर था, वो HTML से बनाया होगा। और बाद में आप क्या करते हो, आप ऐसा काम कर देते हो कि कार चलने लगती है, हेडलाइट जलने लगती है, वो सारा किससे होता है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है। तो ऐसा करके आप बहुत सारी एग्जांपल्स लेके समझ सकते हो कि क्या क्या काम करना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि आप अपनी वेबसाइट का जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो HTML से बनाते हो। और सबसे पहला ही टैग हम लोग ने पढ़ा कौन सा, HTML टैग। इसके बाद इस HTML टैग के दो इंपॉर्टेंट और टैग होते हैं, और वो टैग इस HTML टैग के अंदर ही हमेशा आएंगे। तो वो कौन से टैग हैं, सबसे पहला टैग है हेड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हेड टैग ओपन कर देना है और हेड टैग को क्लोज कर देना है। तो ये HTML का एक सबसे इंपॉर्टेंट टैग है। और दूसरा आता है टैग बॉडी, तो आप बॉडी टैग लगा दिए। तो हमेशा जब भी कोडिंग करिए तो HTML टैग के अंदर हेड लिखिए और फिर HTML के अंदर बॉडी लिखिए। दैट मीन्स अब ये दोनों का इंपॉर्टेंट अलग अलग रोल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो हेड टैग है वो है मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर मेटा डेटा के लिए। और मेटा डेटा मतलब होता है कि आपके पेज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कौन सा टैग है, हेड सेक्शन जो है वो पेज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ये वाला इंफॉर्मेशन। अब मेटा डेटा होता बेसिकली डेटा अबाउट डेटा है, तो ये पेज के बारे में डेटा। पेज के बारे में डेटा क्या क्या हो सकता है, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल पेज के बारे में डेटा होगा, जैसे आपके पेज का टाइटल होगा, आपके पेज का कीवर्ड्स होगा जो क्राउलर की हेल्प करेगा, SEO में हेल्प करेगा, आपके पेज का डिस्क्रिप्शन होगा, आपके पेज का आइकन होगा, आपके पेज में बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या स्टाइल्स यूज़ किया है आपने वो आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो, कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स यूज़ की वो सारी चीज़ें यहाँ डिक्लेयर कर सकते हो। तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो पेज के बारे में, मतलब डेटा अबाउट योर पेज इज कंटेंट इन साइड योर हेड सेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मान लो हमें ये चीज़, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, दैट मीन्स हमारा इंटेंशन नहीं था ये चीज़ लिखने का, बट हम लोगों ने समझाने के लिए लिखा है। तो हम इस वाली दोनों लाइन को क्या करना चाह रहे हैं, कमेंट करना चाहते हैं कि यूज़र इसको रीड ना करें, सॉरी ब्राउज़र इसे रीड ना करें। तो हम लोग क्या करेंगे, HTML का कमेंट यूज़ करेंगे। और कमेंट यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए जितनी भी लाइनें कमेंट करनी है आप इस लाइनों को सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आप सिंपली कंट्रोल और स्लैश क्लिक कर दिए, अपने आप से क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट कर दी और ये चीज़ उसने एंड कर दी। दैट मीन्स ये होता है कमेंट। जब भी आपको कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना होता है तो आप क्या करो, लेस देन साइन लगाओ, ये वाला साइन लगाओ और डैश डैश लगाओ, आपका कमेंट स्टार्ट हो गया। इस कमेंट को बंद करने के लिए आप डैश डैश लगाओ और फिर से ये ग्रेटर देन का साइन लगाओ। आप इसके अंदर लिख सकते हो हेड सेक्शन कंटेन योर मेटा डेटा या डेटा अबाउट योर पेज, डेटा अबाउट योर पेज,
ठीक है, तो आप समझ गए हेड सेक्शन किस लिए काम है। एक दो एग्जांपल हम लोग कर भी लेते हैं, हेड सेक्शन में कुछ लिख देते हैं। लेट सपोज हम इस पेज का टाइटल लिख देते हैं, टाइटल लिखिए और टैब दबा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए HTML इन वन वीडियो और इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन की। तो जैसे आप बॉडी सेक्शन में आओगे तो बॉडी सेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे आप वो कोड लिखोगे जो ब्राउजर पे दिखेगा, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे सारी डिजाइनिंग करोगे, दैट मीन्स इट इज़ योर बॉडी एंड ये ब्राउजर के पेज पे दिखेगा। तो इट इज डिस्प्लेड, मैं लिख देता हूँ इट इज डिस्प्लेड ऑन ब्राउजर बॉडी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी के अंदर, लेटर सपोज हम कुछ लिख देते हैं, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग वन और एच वन टैग लगाते हैं, टैग को क्लोज करना है और ओपन करना है। तो सिंपली अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेड को एच वन को ओपन करो, क्लोज कर दो और यहाँ पे लिख दो HTML या आप लिख दो लर्न कोड विद दुर्गेश और आप सेव कर दो। अब बताती है इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ तो लिया, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ तो लिया, बट हम लोग इस कोड को रन कैसे करें। हम लोगों ने ये सीख लिया कि भाई हेड सेक्शन क्या होता है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप हेड सेक्शन में रखोगे, कौन कौन सी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप बॉडी टैग में रखोगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप रन करोगे, रन करने के लिए सिंपली आप क्या करो, अपने फोल्डर में आओ। जैसे ही आप अपने फोल्डर में आओगे, इसको ओपन करोगे, आपको यहाँ पे देखिए आपका पेज HTML index.html दिख जाएगा। आप सिंपली मेरे में तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है गूगल क्रोम का आइकन इस पेज पे, दैट मीन्स अगर हम इस पे क्लिक कर दें तो ये फाइल गूगल क्रोम से ओपन हो जाएगी। आप सिंपली कर सकते हो राइट क्लिक करो ओपन विद और सिंपली फायरफॉक्स से भी कर सकते हो, कोई यहाँ पे ब्राउजर आप चूज कर सकते हो। तो मैं गूगल क्रोम क्लिक कर देता हूँ, जैसे गूगल क्रोम क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पे आ गया लर्न कोड विद दुर्गेश, दैट मीन्स हमारा वो वाला पेज चल गया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली वन नीचे आके और मैं फिर से थोड़ा फॉन्ट बड़ा करता हूँ और यहाँ H1 के नीचे एक और टैग लगाता हूँ और लिख देता हूँ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो अब क्या होगा, ये H1 बेसिकली हेडिंग थी, सबसे बड़ी वाली हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग होती है H2। इसी तरह H1 से लेके H2 तक बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं, मैं अभी आपको सब दिखाऊंगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके हेडिंग्स लिख सकते हो, अब जो चीज़ आप लिखोगे वो यहाँ पे दिख जाएंगी सिंपली। अब बात करते हैं जो हेडिंग वाली हेड सेक्शन में आपने लिखा वो बॉडी में मोस्टली नहीं दिखती हैं, वो देखिए यहाँ पे दिख रहा है HTML इन वन वीडियो, ये बेसिकली आपका टाइटल है जो आपने टाइटल के अंदर लिखा है। तो आप जो हेड सेक्शन में लिखोगे आप एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो कहाँ दिखेगा, इस बॉडी पे दिखेगा। एक्चुअली जो चीज़ आप बॉडी के अंदर लिखोगे वो चीज़ कहाँ दिखेंगी, आपके बॉडी में दिखेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ये चीज़ मैंने लिखी, इसी तरह HTML में आपके पास बहुत सारी हेडिंग टैग हैं। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट करके लिख देता हूँ और यहाँ पे और कुछ टैग्स आपको दिखा देता हूँ, जैसे H3 में लिख देता हूँ लर्न पाइथन, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे H4 टैग, H4 लर्न सर्वलेट एंड JSP और फिर आपको H5 लगा के दिखा देता हूँ लर्न पाइथन और H6 लगा के देखता हूँ लर्न हाउ टू मेक चैटबॉट यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप हेडिंग टैग्स कैसे यूज़ कर सकते हो, इसका सिंपल एग्जांपल। और H1 से लेके H6 तक 6 टैग्स होते हैं हेडिंग के और वो सारे टैग्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। अगर H1 यूज़ करोगे तो सबसे बड़ा दिखेगा हेडिंग, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बट फ्रेंड्स आपको मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ HTML में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स HTML के बारे में। सबसे पहला पॉइंट्स है कि HTML टैग HTML के अंदर जो भी आप टैग यूज़ करो, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे टैग्स आपके सामने यूज़ किए हैं, यहाँ पे मैंने HTML टैग यूज़ किया, हेड टैग यूज़ किया, टाइटल टैग यूज़ किया, फिर बॉडी टैग यूज़ किया, फिर H1, H2, H3, H4, H5, H6। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने जो भी टैग ओपन किया है, ये देखिए ओपन किया है फिर उसको क्लोज भी किया है, ओपन किया है फिर क्लोज किया है, मतलब मोस्टली यूजली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या करना पड़ेगा आपको, जो HTML टैग ओपन करना होगा उसको क्लोज करना होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। कुछ ही ऐसे टैग हैं जिनको ओपन नहीं करना पड़ता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे टैग जिसे ओपन नहीं करना पड़ता है, जैसे अगर आप HR लगाना चाहो, ये सिंपली HR अकेला टैग है और ऐसे टैग को हम लोग बोलते हैं
ऐसे टैग को हम लोग बोलते हैं नॉन कंटेनर टाइप टैग। नॉन कंटेनर का मतलब ये टैग अपने अंदर कुछ नहीं स्टोर करता है। और कंटेनर टाइप वाले टैग कौन से होते हैं, देखें H1 इज अ कंटेनर टाइप टैग, दैट मीन्स ये अपने अंदर दूसरे एलिमेंट को रख सकता है, मीन्स H1 में दूसरी चीज भी रख सकते हैं। मैं आपको रख के दिखाता हूँ। लेट अस सपोज आप यहाँ पे लगा रहे हो H2 और H2 लगा देते हो, मैंने कहा लर्न कोडिंग विद मी, और आपको यहाँ पे क्या करना है, आप एक और टैग लगा सकते हो स्पैन का, और यहाँ पे क्या कर सकते हो कोडिंग विद मी इन सिंपल स्टेप्स। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, सिंपली H2 के अंदर और भी टैग्स रख सकते हो और कंटेंट रख सकते हो। दैट मीन्स H2 क्या है, एक कंटेनर टाइप का टैग है। कंटेनर टाइप टैग्स आर दोज टैग्स विच कैन कंटेन अदर टैग्स, वेयर एज जबकि जो नॉन कंटेनर टाइप्स के टैग होते हैं वो अपने अंदर किसी और टैग को स्टोर नहीं करते हैं। तो कंटेनर टैग सिंपली डेव वगैरह ये सब हो गया कंटेनर टैग। नॉन कंटेनर टैग के टैग होंगे जो अपने अंदर टैग को दूसरे टैग्स या दूसरे एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे HR यूज़ किया, HR इज बेसिकली फॉर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे। और एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, जितने भी टैग हैं वो केस इनसेंसिटिव हैं। केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ सारे टैग्स को यूज़ कर रहा हूँ स्मॉल से, आप क्या कर सकते हो कि आप उन टैग्स को H2 की हेल्प, मतलब H2 यूज़ करने के साथ साथ स्मॉल में आप अगर चाहो तो इनका केस चेंज भी करके यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स हम इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं H2 या H1, और इसके अंदर लिख सकते हो case does not matter। और अगर आप यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करते हो तो देखिए केस डज नॉट मैटर। दैट मीन्स आप जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं HTML के अंदर, आप उनको स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मॉल ही यूज़ करो, क्योंकि मोस्टली W3C की जो रिकमेंडेशन है वो स्मॉल है, और सब लोग मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर में ही टैग्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है HTML पेज का, तो सिंपली जो मैंने आपको यहाँ बताया वही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको HTML टैग लिखना होता है, और HTML के अंदर ही पूरा HTML आएगा। और HTML के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है एक बॉडी होता है, ये देखिए बॉडी। और फिर आपको हेड सेक्शन में मेटा इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, मेटा डेटा लिखना होता है, और बॉडी टैग में आपको पूरी डिज़ाइनिंग लिखनी होती है। यही हमारा होता है क्या स्ट्रक्चर HTML पेज का, आपको ऐसे ही काम करना है। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेटस अब हम बात करते हैं कि एक टैग है H1 के साथ, हेडिंग के साथ हमेशा पैराग्राफ आएगा। तो लेटस सपोज हम यहाँ पे लगाते हैं एक H1 टैग और लिख देते हैं लर्न कोड विद दुर्गेश। और हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ अगर इसके नीचे कुछ भी आपको लिखना है तो P टैग लगाएंगे, P फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग लगा सकते हैं। और हम लिख देते हैं हेयर यू विल गेट मोर कंटेंट ऑन कोडिंग एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, एक हेडिंग टैग में अपना, देखिए अपना टाइटल लिखा है, उसके बाद पैराग्राफ लिखा है। अगर आप सिंपली इसको रिफ्रेश करते हो तो देख पाओगे कि यहाँ पे आपको अपना पैराग्राफ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग। एट्रीब्यूट्स जितने भी होते हैं आपके टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज मैं आपको समझाता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे आप क्या करना चाहते हो, आपके पास एक यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, सिंपली आपको दिख रहा है ये हेडिंग, और आपको इस हेडिंग का कलर रेड करना है। अब आपको इस हेडिंग का कलर अगर रेड करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज़ देखते हैं। और हेडिंग आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हेडिंग है, और कौन सी हेडिंग थी, ये लर्न कोड विद दुर्गेश, दैट मीन्स इस हेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, इस या इस वाली की बात कर रहा हूँ। अगर आप रिफ्रेश करो तो देखो यहाँ इस वाली की बात कर रहा हूँ। तो इसका कलर अगर रेड करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, इसका कलर को क्या करने के लिए, रेड करने के लिए। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, एट्रीब्यूट्स बेसिकली जितने भी होंगे ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आपके टैग के बारे में। और इनको लिखना कैसे, इन ये हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं, नेम वैल्यू पेयर में, नेम और होगी फिर उसकी वैल्यू होगी, इसी पेयर में हमेशा लिखे जाएंगे। और ये होते हैं हमेशा किसी भी टैग के स्टार्ट वाले सेक्शन में, स्टार्ट वाले पोर्शन में होंगे। तो स्टार्ट वाला पोर्शन, जैसे फॉर एग्जांपल
ये जो H1 है इसका स्टार्टिंग है, और ये जो स्लैश H1 है ये उसका एंडिंग है। तो हम लोग आ जाएंगे स्टार्टिंग वाली पोर्शन में, दैट मीन्स यहाँ पे, और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करेंगे, दैट मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। और आपको सबसे पहले नेम लिखना है, तो हम लगाएंगे स्टाइल। स्टाइल का मतलब हमें देखिए, कलर हमें चेंज करना है तो एक स्टाइल होगी, तो हम यहाँ पे स्टाइल वाला एट्रीब्यूट लगाएंगे, और इसके अंदर बता देंगे कि कौन सी स्टाइल चेंज करनी है। तो हम लिखेंगे भैया इसका जो कलर है वो हमें क्या कर देना है, रेड कर देना है सिंपली, और इसको बंद कर देंगे। तो इसके अंदर जो भी स्टाइल आप लिखोगे वो भी की वैल्यू पेयर होगा, दैट मीन्स नेम होगा, फिर कोलन लगा के उसकी वैल्यू लिखनी, कलर उसका रेड हो जाएगा सिंपली। आप क्या करिए, इसको ओपन करिए और रिफ्रेश करिए, और देखिए यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। ऐसे करके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आप यहाँ पे CSS की हेल्प से इसको सेंटर भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डैश अलाइनमेंट, और अगर आप यहाँ सेंटर लिख देंगे तो आपका टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, सेंटर पे चला जाएगा। ठीक है, सेंटर पे आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो स्टाइल वाला एट्रीब्यूट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। बट एट्रीब्यूट का मैं दो चार एग्जांपल और दूंगा, या एक दो एग्जांपल अभी लेते हैं, फिर आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम सीखते जाएंगे। एक एग्जांपल और है कि आप क्या कर सकते हो कि इस H1 की ID दे सकते हो। लेट सपोज आपने लिखा ID और हमने कहा इसका नाम है Heading 1। तो ये जो ID है, इस ID के थ्रू इस H1 को कहीं से भी पकड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से भी कलर अप्लाई कर सकते थे हेड सेक्शन में, ऐसा लिख के स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आप इस H1 को पकड़ सकते हो किसकी ID से, इसकी ID से। देखिए कैसे आप ID वाइज अगर चीज़ों को पकड़ना चाहते हो, दैट मीन टारगेट करना चाहते हो, तो आप हैज़ लगाओगे और उसकी ID लिख दोगे, तो उसकी ID थी Heading 1, दैट मीन्स अब आप जो भी यहाँ स्टाइल लिखोगे वो इस वाली हेडिंग वाले एलिमेंट पे अप्लाई होगी, दैट मीन्स इस पे अप्लाई होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको इस पे एक बॉर्डर अप्लाई करके देखता हूँ, बॉर्डर, और बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल का सॉलिड रेड या ब्लैक दे दो, या रेड दे दो क्योंकि उसका कलर भी रेड है, और पैडिंग भी हल्की दे देता हूँ, पैडिंग हम देते हैं 10 पिक्सल का। तो हमने टारगेट किया है किससे, हैज़ हेडिंग, दैट मीन्स हमने ID के थ्रू टारगेट किया, और सिंपली ये देखिए ये जो टारगेट लग गया ये देखिए यहाँ पे क्या लग गया, बॉर्डर लग गया, और बॉर्डर और पैडिंग भी लग गई है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, आप किसी पेज में किसी की भी ID दे सकते हो, और वो ID से किसी बंदे को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे ID क्लास और ID क्लास दो चीज़ें क्या होती हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने इस वाले वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में समझ रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं जो लगेंगे, और टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जिससे ब्राउज़र क्या करे उसके बारे में और भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। जैसे ये हेडिंग था, तो हम लोग देखिए एट्रीब्यूट की हेल्प से हम लोग ने स्टाइल बता दिया कि भैया कलर इसका रेड कर दो, इसको सेंटर पे कर दो, या इसकी आईडी जो है वो हेडिंग आईडी है। तो ये हुआ हमारा एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग बात करते हैं कुछ, जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लिंक्स, कैसे लगाते हैं हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे। और हम जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। किसकी हेल्प से हम लोग जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग की हेल्प से हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। क्या, हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। जिस हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए लगाते हैं तो हैं, बट इसको लगाते हैं हम लोग एंकर टैग की हेल्प से। देखिए कैसे, लेट सपोज हमारे पास ये इंडेक्स पेज है, और हम इंडेक्स पेज से एक दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं। हम लोग अपने HTML वीडियो वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल यहाँ पर जाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल का नाम दे देंगे second.html, एंटर कर देंगे सिंपली। और यहाँ भी हम लोग एक HTML लिख देंगे, तो सबसे पहले हम HTML टैग लिखेंगे, फिर हेड टैग लिखेंगे, और हेड टैग मैं छोड़ दूंगा वैसे ही, और मैं यहाँ पे बॉडी टैग लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा H1, और लिख देंगे टेकसॉफ्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, ठीक है। और उसके बाद हम P टैग लिखेंगे, और P टैग में हम लोग लिख देंगे सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो टू सपोर्ट अस एंड फॉर मोर यूजफुल वीडियोस, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसा ही हम लोग यहाँ एक बटन बनाएं, जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करें हमारा ये सेकेंड पेज ओपन हो जाए। चलिए करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक लगाएंगे एंकर टैग, तो हम ए टैग लगा देंगे सिंपली, और ए टैग के अंदर लिख देंगे यहाँ पे टेक्स ऑफ इंडिया,
इंडिया, ठीक है। अब हम लोग अगर अभी अभी इसको हम डायरेक्ट चलाने की कोशिश करेंगे तो ये लिंक नहीं काम करेगी। लिंक काम करने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे, लगाएंगे एक एट्रीब्यूट, क्योंकि अभी हम लोग एट्रीब्यूट सीखे हैं। और एट्रीब्यूट करना क्या है, आपको स्टार्ट टैग में आ जाना है और यहाँ पे लगाना है आपको एट्रीब्यूट जिसका नाम है एच रेफ, और यहाँ पे आपको सेकेंड पेज का नाम दे देना है। तो हम लिख देंगे यहाँ सेकेंड डॉट एच टी एम एल और हम सिंपली सेव कर देंगे और अपने पेज को आके रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देख पाएंगे छोटा सा एक इंडेक्स टेक्स ऑफ इंडिया लिखा है। इस टेक्स ऑफ इंडिया पे सिंपली आपको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे टेक्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो टू सपोर्ट अस एंड फॉर मोर वीडियोज। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो, यहाँ से तीसरे पे जा सकते हो। लेट सपोज हमें क्या करना है, टेक्स ऑफ इंडिया पे क्लिक करें और यहाँ गूगल है, गूगल पे क्लिक कर दें, गूगल पेज ओपन हो जाए। तो सिंपली हम लोग आ जाएंगे सेकेंड पेज पे और यहाँ पे एक लिंक और देंगे। तो अगर आप सबलाइम या वी एस कोड पे हो तो ए लिख दो और टैब दबा दो, ये अपने आप कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है पूरा, क्योंकि गूगल का तो पेज आपके पास है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली गूगल का पूरा URL दे देना है। URL https://www.google.com और आपको इसके बीच में लिख देना है गो टू गूगल और सिंपली आपको सेव करना है और फिर से वापस आना है, रिफ्रेश करना है। टेक्स्ट ऑफ इंडिया पे क्लिक करोगे तो ये पहले पेज से दूसरे पेज पे ले जाएगा। गो टू गूगल पे क्लिक कर दो तो सिंपली देखो गूगल ओपन हो जाएगा। इसका मतलब आप पेजेस को लिंक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक एंड एंकर टैग। तो ये हो गया हमारा एंकर टैग। तो आप ऐसा करके बहुत सारा काम कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूँगा कि जब भी आप एंकर टैग लगाओ तो अभी तक देखो हमारा सारा एक ही टैब में काम हो रहा है। मैं बैक आता हूँ, ये जो हमारा पेज था मेन, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसी टैब में ओपन हो जा रहा है। अगर आप जैसे गूगल चाहते हो, गूगल भैया मैं क्लिक करूँ नेक्स्ट टैब में ओपन हो, तो आप सिंपली आओ यहाँ पे HRF लिखा हुआ है। इस एट्रीब्यूट के खत्म होने के बाद आप एक दूसरा एट्रीब्यूट लगा दो जिसका नाम है टारगेट, और टारगेट में अंडरस्कोर और लिख दो ब्लैंक ब्लैंक सिंपल, और रिफ्रेश करो इस पेज को। और जैसे गो टू गूगल क्लिक करोगे ये सिंपली नेक्स्ट पेज पे टारगेट करेगा। ये वाला टैब ओपन है, नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा सिंपली। अगर आप फिर से बंद करके फिर से ओपन कर दो, देखो सिंपली नेक्स्ट टैब में टारगेट हो जाएगा। तो आप चाहे तो उसी पेज में ओपन करा दो, चाहे आप टारगेट की हेल्प से नेक्स्ट पेज में ओपन करा दो। तो ये हो गई बात किसकी, एंकर टैग की। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई इमेजेस को अपने HTML में कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले HTML में इमेजेस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल पे चलेंगे और यहाँ पे किसी इमेज को डाउनलोड करेंगे। तो लेट अस सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं या टेक्स ऑफ इंडिया सर्च करते हैं या textofindia.co.in, आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग सिंपली चलेंगे गैलरी पे और गैलरी पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, आप कोई भी इमेज उठा लीजिए। तो लेट अस सपोज हम लोग क्या करते हैं, ये वाली इमेज उठा लेते हैं या हम लोग कोई और इमेज उठा लेते हैं इधर से, ये वाली स्टूडेंट्स की इमेज उठा लेते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब कर देंगे और हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये इमेज छोटी है बट कोई बात नहीं, हम लोग इससे सीख सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे, उसको सेव इमेज एज पे क्लिक कर देंगे और हम लोग इसको थोड़ी देर डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। उसके बाद कहाँ पे लाना है ये सारी चीज़ मैं सिखाऊंगा। देखिए हमारी जो फोटो है वो डेस्कटॉप पे आ गई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आ गई है डेस्कटॉप पे। ये देखिए यहाँ पे फोटो आ गई है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस फोटो को पहले रीनेम कर देंगे, हम कर देंगे pic.jpg और फिर उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे और अपने चलेंगे फोल्डर के अंदर। और फोल्डर के अंदर हमारे पास दो पेज है, सिंपली देख पाओगे index.html second.html, और हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और फोल्डर पे क्लिक करेंगे और फोल्डर का नाम दे देंगे इमेज img और इसके अंदर चलेंगे और इमेज को हम पेस्ट कर देंगे। तो ये होता है अच्छा तरीका काम करने का। यहाँ पे इमेज आ गई, आप और भी इमेजेस जितनी भी इमेज स्टोर करनी होंगी यहाँ पे वो सारी इमेज यहाँ पे लाके रखेंगे। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम इसी फोल्डर में रख दें बट वो एक अच्छा कोडिंग का तरीका नहीं होता। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस वीडियो में आपको बेहतरीन टेक्निक सिखाएंगे कोडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक अच्छा तरीका है और अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसे ही फॉलो करो चीज़ों को। आप क्या करो, इमेजेस को एक फोल्डर में रखो, फिर CSS बना रहे हो उसको दूसरे फोल्डर में रखो, और फिर आप अगर JavaScript बना रहे हो तो उसको दूसरे फोल्डर में रखो। अब हम इस इमेज को यूज़ करते हैं और इमेज को यूज़ करते हैं कहाँ पे, अपने इंडेक्स पेज पे। तो हम टेक्स ऑफ इंडिया वाले टैग देखिए इस वाले पेज में ओपन करेंगे और हम बेसिकली फोटो लगाने वाले हैं किसकी, आप देखिए मैं फोटो लगाने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं सेकंड पेज है, हम चलते हैं अपने फर्स्ट पेज पे और हम फोटो लगाएंगे इस टेक्स ऑफ इंडिया के नीचे जो भी फोटो लगानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए हम लिख देंगे
देखिए, सबसे पहले आप बी आर लगा दिए। बी आर मतलब होता है लाइन चेंज। तो यहाँ से बेसिकली एक लाइन चेंज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज लगाने के लिए हम लोग लगाएंगे इमेज टैग, और इमेज टैग को हम बंद कर सकते हैं। ये नॉन कंटेनर टाइप का टैग है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई टैग नहीं होगा, तो इस टैग को हम सिंपली यहीं बंद कर देंगे। और एट्रीब्यूट्स आप लगाएंगे, यहाँ एक एट्रीब्यूट लगाएंगे SRC। SRC मतलब आपको इस SRC के अंदर बताना है उस इमेज का सोर्स, भाई वो इमेज रखी कहाँ है, तभी तो ये इमेज टैग उसको लोड कराएगा। तो अगर आप देख पाओ, तो अगर आप इस पेज पे कोडिंग कर रहे हो, यहाँ index.html, तो इसी फोल्डर में नहीं है कि आप नाम दे दोगे काम हो जाएगा। आपको जाना है इमेज के अंदर, फिर pic.jpg। तो यहाँ पे आओगे, लिखोगे इमेज के अंदर फिर pic.jpg। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे अपने पेज को, सिंपली आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारी फोटो आ गई है। और फोटो आ गई तो बेस्ट, आप इसको सेंटर में भी कर सकते हो, हर जगह जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जब आप CSS सीखोगे तो बहुत अच्छे से सीखोगे कि सेंटर मतलब स्टाइलिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करोगे टाइटल। टाइटल एक और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो सबको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका पेज SEO फ्रेंडली हो उसके लिए टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? जिससे कि टाइटल आपका SEO फ्रेंडली हो, ठीक है। तो आप टाइटल यहाँ पे दोगे, सिंपली देखिए टाइटल का मतलब होता है कि आप पेज के, आप इमेज के ऊपर जैसे ही कर्सर ले जाओगे क्या दिखाएगा, तो हम लिख देते हैं टेक्स ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स, ठीक है, और सेव कर देंगे। और जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे अपने, आप इसके ऊपर जैसे ही कहीं भी कर्सर ले जाओगे टेक्स्ट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स दिखाएगा। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। अगर आपका कोई यूज़र आपके इमेज पे कर्सर ले जाता है तो ये सिंपली बता देगा ये इमेज का टाइटल, दैट मीन्स इमेज किसके बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन। एक चीज़ और है, एक और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, एक है ऑल्ट। ऑल्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं भी आपको बताता हूँ ऑल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट में लिख देता हूँ इमेज नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑल्ट का मतलब होता है बाय चांस किसी भी रीजन की वजह से, नेटवर्क इशूज की वजह से अगर ये इमेज नहीं दिख पाई तो क्या दिखा देगा, वो ये वाला टेक्स्ट आपको दिखेगा, इमेज नॉट अवेलेबल। तो हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के मैं यहाँ पे स्पेलिंग गलत करता हूँ फ्रेंड्स, और जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो इमेज तो दिखेगी नहीं, बट इमेज के बगल में देखें इमेज नॉट अवेलेबल दिख रहा है, दैट मीन्स ये दिख रहा है ऑल्ट के केस में। ये लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जब लोग नेट सर्फ करते हैं उस केस में होता क्या है कि जैसे नेट वो लोग सर्फ कर रहे हैं बट इंटरनेट के कोई इशू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इमेज नहीं लोड हो पाएगी। उस केस में करना क्या है, सिंपली आपको ऑल्ट में जो टैग ट्रक दोगे वो टेक्स्ट वहाँ पे दिख जाएगा। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इमेज को यूज़ कर सकते हो, इमेज टैग को यूज़ कर सकते हो। एक स्टाइल एट्रीब्यूट से बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। अगर आप स्टाइल लगा के इसकी हाइट विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो, हाइट 400 पिक्सल, कॉमा विड्थ हमने कहा 500 पिक्सल, और अगर सेव कर दोगे तो हाइट विड्थ देखिए इसकी छोटी हो जाएगी, या और छोटी करना है तो आप इसकी 200 कर दो और इसकी 300 कर दो सिंपली, और आप देखो इमेज छोटी हो जाएगी। तो हाइट विड्थ से बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, इमेज को सर्कुलर बना सकते हो, उसका बॉर्डर रेडियस कंट्रोल कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस लेट सपोज 20 या 50 पिक्सल कर देते हैं, तो देखिए चारों तरफ से इसका बॉर्डर कॉर्नर हो जाएगा, ये देखिए कॉर्नर हो जाएगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इस स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इमेज हम लोग सीख गए कैसे लगाना है, अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग बटन कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें बहुत बार बटन बनाने की और क्लिक करने की ज़रूरत होगी। तो बटन बनाना बहुत ही आसान है, आप सिंपली यूज़ करिए टैग बटन, और बटन टैग को बंद कर दीजिए। आपकी बटन क्या हो गई भाई, रेडी हो गई। इसके अंदर लिख दीजिए क्लिक मी, और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपकी बटन देखिए बन गई, इसको क्लिक कर सकते हैं। अब ये दोनों एक ही लाइन में आ रही हैं, इसको चेंज करने के लिए आप सिंपली बटन के ऊपर जाइए और यहाँ पे लगा दीजिए BR टैग, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे देखिए ये नीचे आ जाएगी। और भी चीज़ें कर रही हैं तो एक BR और लगा दीजिए, और भी डिस्टेंस मिल जाएगा आपको ऊपर से। दैट मीन सिंपली BR मतलब लाइन चेंज, दो लाइन चेंज हो गई, इसका मतलब बटन बन गई। अब बटन को अगर आप फॉर्मेट करना चाह रहे हो तो बटन में आइए और यहाँ एट्रीब्यूट लगाइए स्टाइल। मैं जैसे बता चुका हूँ स्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। आप बैकग्राउंड में रेड कर दीजिए, पैडिंग दे दीजिए 20 पिक्सल, जैसा मैं करता जा रहा हूँ आप करते जाएंगे, सीख जाएंगे। और हम कहेंगे बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा मैं 20% का बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, और अगर आप पेज को रिफ्रेश करते हो तो आपकी बटन कुछ ऐसे दिखेगी, परफेक्ट। आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, मैं लिखता हूँ कलर वाइट, तो आपको सेमी कोलन लगाना है लास्ट में, और उसके बाद आपको फॉन्ट साइज भी देना है। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप CSS की हेल्प से, और फॉन्ट साइज मतलब आप फॉन्ट साइज रखना चाह रहे हैं 25 पिक्सल, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाएंगे परफेक्ट बड़ी सी बटन दिख गई।
और इसको क्लिक भी हो रही है। तो ऐसा करके आप बटन बना सकते हो। बटन जो सी एस एस जो बटन एचटीएमएल में होती है वो तीन तरीके की बटन होती है। एक सबमिट बटन होती है जो सबमिट करती है। सबमिट बटन कैसे बनाते हैं भाई, यहाँ आप टाइप में लिख के क्या डाल दीजिए, सबमिट बटन फ्रेंड्स डाल दीजिए, आपकी बटन सबमिट बन जाएगी। इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी जो फॉर्म को क्या कर देगी, सबमिट कर देगी, ठीक है। इसी तरह आप रीसेट कर रीसेट बटन बना सकते हो। रीसेट बटन क्या करता है, आपके फॉर्म को रीसेट कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे करके अगर आप नॉर्मल बटन बनाना चाह रहे हैं तो आप नॉर्मल बटन बना दिए। ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं बटन। इस बटन से आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, आप फॉर्म भी सबमिट करा सकते हो, नॉर्मल बटन का काम कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम लिस्ट की अब बात करते हैं, तो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिस्ट आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप अपना इंटरेस्ट बताना चाह रहे हो, या लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिखाना चाह रहे हो, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाह रहे हो, तो आप लिस्ट यूज़ करो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, लिस्ट होती हैं टू टाइप्स की। कितने टाइप की, दो तरह की लिस्ट होती है हमेशा। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड दूसरी होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो पहले बात करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए सिंपली आपको UL टैग यूज़ करना पड़ता है। तो आप UL लिखिए, टैब दबा दीजिए, और उसके अंदर आपको लिस्ट स्पेसिफाई करने के लिए LI आप पहला टैग बना दिए। तो लेट अस सपोज हम यहाँ पे जावा लिख देते हैं, और दूसरा एलिमेंट हम लिख देते हैं सी प्रोग्रामिंग, और फिर हम एंड लिख के LI, फिर से तीसरा लिख देते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, और फिर लिख के हम लिखते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर हम रिफ्रेश करेंगे, अगर हम आके इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, आप देख पाओगे यहाँ पे जावा सी पाइथन इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा सा फॉन्ट हम यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से तो मैंने जूम किया है, देखिए अभी ये जूम पे है 200। तो अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ 100% पे कर दीजिए, और अपने ही कोडिंग से ही फॉन्ट बड़ा कर दीजिए। तो फॉन्ट सिंपली आप आइए यहाँ पे LI, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, जितने LIs हैं उनका फॉन्ट्स बढ़ा देता हूँ। तो आप CSS ऊपर आ जाइए, एक ही बार में सबका बढ़ा दीजिए, और स्टाइल के अंदर आप सिंपली लिखिए LI और स्टाइल लगाइए, और यहाँ लिखिए फॉन्ट साइज में लिख दीजिए 30 पिक्सल। तो जितनी भी LI होंगी, जब भी आप कहीं पूरे पेज में LI यूज़ करोगे, तो LI का फॉन्ट देखिए हमेशा 30 पिक्सल होगा। अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो आप इसको 50 कर दें, चीज़ों को समझने के लिए। तो सारे LIs का देखिए बढ़ जाएगा। तो पहला जावा सी, और इसके सामने देखिए बुलेट्स लगे हुए हैं, ये है बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब इसमें नंबर नहीं बताया गया। तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं इस तरीके से। अब किसी को मान लीजिए ये बुलेट्स नहीं पसंद आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन बुलेट्स को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बुलेट्स को चेंज करने के लिए आप आ जाओगे कहाँ पे भाई, आप आ जाओगे ईवेल टैग के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे आप यूज़ करोगे स्टाइल एट्रीब्यूट। और स्टाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसमें आप दे सकते हो सर्कल। और सर्कल अगर दे दोगे, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिएगा सिंपली बुलेट्स चेंज हो जाएंगे, देखिए सर्कल बन गई। आप यहाँ पे स्क्वायर भी दे सकते हो, अगर स्क्वायर दे दोगे तो रिफ्रेश करोगे तो देखिएगा ये स्क्वायर बन गया, और अगर नन दे दोगे ना तो ये गायब ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे नन दे दो तो ये जो बुलेट्स थे वो सारे गायब हो जाएंगे। देखिए आप इसको नॉर्मल दिखा सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है डिस्क। आप सिंपली रिफ्रेश कर दो, देखो डिस्क। तो ऐसे करके आप अनऑर्डर्ड लिस्ट मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अगर ऑर्डर्ड लिस्ट की, तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है भाई, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है कि आपका ऑर्डर होगा, जितने भी जैसे जावा सी पाइथन प्रोग्रामिंग ये सब लिखी हुई है, इसका एक ऑर्डर होगा 1 से लेके A से लेके, ठीक है। तो बनाने के लिए आप सिंपली लिखोगे OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, और सिंपली मैं सारे LIs को यहाँ क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और एक काम करते हैं हम लोग, आते हैं बॉडी पे थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि ये देखिए लेफ्ट से बहुत चिपका हुआ आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बॉडी पे ही पैडिंग लगा देंगे। तो बॉडी पैडिंग लगाने के लिए आप सिंपली स्टाइल टैग यूज़ करिए, और यहाँ लिखिए पैडिंग, और सिर्फ लेफ्ट से ही कंट्रोल करेंगे, लेफ्ट से हम दे देंगे 20 पिक्सल। तो लेफ्ट से इस तरफ से पैडिंग आ जाएगी, देखिए 20 पिक्सल शिफ्ट हो गया। आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, जिससे कि हम सीख रहे हैं अभी ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो आप सिंपली ये देखिए आ गया, इस तरह से आप काम कर सकते हो, और इसका टाइप भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो यहाँ से ABCD से स्टार्ट हो, तो आप सिंपली आप ऑर्डर्ड लिस्ट पे आ जाओ, जहाँ आप ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हो, और ऑर्डर्ड लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइप
और टाइप में कैपिटल ए दे दो। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे आपका देखिए ए बी सी डी, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप आई लिख दो और अगर आप रिफ्रेश कर दो तो ये देखिए रोमन नंबर्स में स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप लिस्ट को कम्प्लीटली बना सकते हो, और लिस्ट बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। एचआर टैग, बीआर टैग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी ली। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो कुछ टेक्स्ट हम फॉर्मेट करके आपको दिखाएंगे। लेट सपोज हमने पहले यहाँ पे एक एच आर लगा देते हैं, और हम लोग तो एक सेकंड थोड़ा सा गलत हो गया, हम लोग क्या करते हैं ओ एल के नीचे एक एच आर लगा देते हैं। एच आर मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा लर्न कोड विद दुर्गेश, और हम लोग क्या करते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे सिंपली ये टेक्स्ट लिखा है, दिख नहीं रहा, वो छोटा सा टेक्स्ट है ये देखिए। अगर हम चाहते हैं कि इस ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए टेक्स्ट, तो हम क्या करेंगे इसको H1 के अंदर कर देंगे भाई, सिंपली क्या कर देंगे H1 के अंदर कर देंगे और हम रिफ्रेश कर देंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये टेक्स्ट क्या होगा, थोड़ा बड़ा आ जाएगा। या आप H1 के अंदर ही, कोई ज़रूरी नहीं आप क्या कर दो, हमेशा H1 के अंदर ही करो, आप इस पर स्टाइल लगा के भी काम कर सकते हो, ठीक है। बट हम लोग चाहते हैं कि जो ये टेक्स्ट है ये थोड़ा बोल्ड आए, नॉर्मल H1 हम नहीं लगाएंगे, सिंपली बोल्ड करने के लिए हम लोग कौन सा टैग लगाएंगे, बी टैग, बी फॉर बोल्ड, और इधर आके इस बोल्ड को बंद कर देंगे। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो ये बोल्ड आएगा नॉर्मली पहले से। अगर ये बोल्ड हटा के देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ तब देखिए, और इसको लगाने के बाद देखिए, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखिएगा सिंपली ये देखिए, और बोल्ड लगाने के बाद देखिए, इसको सेव कर देते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये हल्का बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इंपॉर्टेंट बनाने के लिए। स्ट्रॉन्ग भी एक तरीके का बोल्ड टाइप का ही होता है, तो आप स्ट्रॉन्ग टैग लगाओगे और स्ट्रॉन्ग के अंदर आप क्या करोगे, सिंपली अपना टेक्स्ट बेस कर दोगे, तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक बी आर भी लगाते रहते हैं भाई, जिससे कि हमारा दोनों टेक्स्ट नीचे आता रहे, ठीक है। तो आप देख पाओगे, देखिए दोनों एक ही तरीके हैं, बट स्ट्रॉन्ग मीन्स इंपॉर्टेंट है, हल्का बोल्डली। उसके बाद अगर आपको इटैलिक करना है कोई टैग्स, तो आप इटैलिक कर सकते हो, तो इटैलिक का एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आप आई टैग लगा दोगे तो लर्न कोड विद दुर्गेश जो टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, सिंपली आप देख पाओगे। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दिखाने के लिए, और जूम कर देता हूँ, ये देख, और जूम कर देता हूँ, ये देखिए सिंपली, ठीक है। तो आप ऊपर वाले टेक्स्ट को मत ध्यान दीजिए, इस टेक्स्ट इटैलिक हो गया। उसके बाद अगर आप एम्फसाइज करना चाह रहे हो तो ई एम टैग यूज़ कर सकते हो, तो ई एम आप देखिएगा। उसके बाद आप डेल टैग भी यूज़ कर सकते हो, आप सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखिए, सिंपली लेट सपोज हम यहाँ पे, मेरे पास एक टू टू द पावर में कोई लिखना है, तो मैं लिखूँगा टू, और टू के बाद देखिए मैं यहाँ पे लगाऊँगा एस यू बी, और मैं लिखूँगा फाइव, और इस टैग को मैं क्या कर दूँगा, बंद कर दूँगा। और यहाँ पे S लिख गया तो मैं इसको 2 करता हूँ, और हम क्या करते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख पाओगे ठीक है। सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का मतलब था नीचे, तो देखिए 4 नीचे आया है, ये वाला 4, ठीक है। और अगर मैं इसको S सब स्क्रिप्ट जगह सुपर स्क्रिप्ट S U P कर दूँ, तो आपका 4 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, देखिए पावर में आ जाएगा, ये देखिए। इस B को हटा देते हैं और सेव करते हैं, और फिर क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए टू टू दी पावर, दैट मीन्स आप सब स्क्रिप्ट और सुपर, सब मतलब नीचे की साइड, सुपर मतलब ऊपर की साइड यूज़ कर सकते हैं। ये सारा काम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स। ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट हैं आप एलिमेंट टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर आप डेल कीवर्ड लगा देते हो, जैसे मैं यहाँ दुर्गेश पे डेल लगा देता हूँ, डेल, तो ये क्या करेगा, ये डिलीट तरीका का, डिलीट करने का एक हल्का सा सिंबल दिखाएगा। आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए डिलीट करने का एक यहाँ पे दिखा रहा है। और अगर आप इससे पहले ई एम लगा देते हो, ई एम, तो वो थोड़ा सा मतलब फोकस करेगा, फोकस टाइप का चीज़ करेगा, देखिएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कोड हल्का सा बीच में फोकस टाइप हो गया, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा एम्फसाइज मतलब फोकस मिलेगा। ऐसा करके बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग हैं जिनको आप जाके देख सकते हो, नेट पे जाइए और यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग सर्च करिए और वहाँ से देख लीजिए।
अब बात करते हैं कि आप वीडियो कैसे प्ले कर सकते हो अपने HTML में, या उससे पहले हम लोग बात करते हैं टेबल कैसे बना सकते हो। टेबल टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और टेबल को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो HTML में तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई यूज़र का डेटा दिखाना टेबल के फॉर्मेट में, ये सारी चीज़ें करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टेबल टैग और टेबल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेबल टैग को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले br कर दूँगा, और उसके बाद मैं टेबल टैग बनाने के लिए आपको सिंपली यूज़ करना है टेबल, और टेबल के अंदर आप tr लगाओगे फॉर रोज। tr मतलब टेबल रो, tr मतलब टेबल रो। एक रो बनानी है तो एक tr, अगर एक tr दैट मीन्स एक रो। उसके बाद अगर दूसरी tr लगा दोगे tr तो दूसरी रो। अब एक रो में कितने आपको रखने हैं, एक रो में कितने रखने हैं आपको कॉलम्स, वो बता सकते हो आप टी डी। दैट मीन्स आप पहले रो पहले कॉलम पे हो, तो मैं कहता हूँ कॉल वन, या लिख देता हूँ ऐसे ही यूज़र नेम, ठीक है। अगर आपको हेडिंग करनी है तो टी एच कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा कॉलम, या लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और टैग लगाता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मिडिल नेम, ठीक है। उसके बाद एक और टी डी लगाता हूँ, टी डी, और उसके बाद लिख देता हूँ लास्ट नेम, लास्ट नेम। तो एक्चुअली हुआ क्या, पहले रो में मैंने तीन चीज़ बनाई है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम दिख रहा है, मिडिल नेम दिख रहा है, और लास्ट नेम दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं दिख रही है कि भैया, आपको ये चीज़ नहीं दिख रही है कि ये टेबल के फॉर्मेट में डेटा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टेबल के फॉर्मेट में करने के लिए हम लोग चलेंगे, देखिए हम लोग ऊपर चलेंगे, और सबसे ऊपर हेडिंग में देखिए टाइटल में हम लगाएंगे, देखिए टी डी पे लगा देंगे, हम लोग टी डी पे बॉर्डर लगा देंगे, और बॉर्डर एक पिक्सल सॉलिड हल्का रेड कलर का बॉर्डर बना देंगे। और जैसे ही आप आके रिफ्रेश करोगे, देखो यहाँ पे टेबल दिख जाएगी। या आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप बॉर्डर यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, टेबल में भी, टेबल में आइए और यहाँ लिखिए बॉर्डर, बॉर्डर में लिख दिए वन, और आप सिंपली रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखिए टेबल का बॉर्डर दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी एक रो है, अब दूसरे रो में चीज़ें रखनी है तो दूसरा टी आर बना दीजिए, और टी आर मतलब सिंपली इसके अंदर टी डी होगा। तो फर्स्ट नेम में मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम में दुर्गेश रख देता हूँ, और सिंपली दूसरे कॉलम में मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, कुमार, और सिंपली तीसरे कॉलम में क्या रख देता हूँ, तिवारी। और हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए दूसरा कॉलम बन गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, टेबल बनती जाएगी। जैसे हम एक और रो बना देते हैं, तो सिंपली रो बनाने के लिए टी आर, नॉट टी डी, टी आर, और यहाँ तीसरे रो का पहला कॉलम, पहला कॉलम कॉलम बनता है टी डी से, और मैं कहता हूँ उत्तम, और उसके बाद सिंपली मैं टी डी से फिर से दूसरा कॉलम लगाता हूँ, कुमार, और फिर टी डी से लगाता हूँ शुक्ला, ठीक है। अब फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आपका बन जाएगा तीसरा कॉलम। इसी तरह हम कॉलम्स बहुत सारे बना सकते हैं, और बहुत सारे कॉलम्स बना के काम कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी क्या मतलब, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, टेबल टैग के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इन्जॉय कर रहे होंगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और क्या हम वन वीडियो वाली वीडियो और बना सकते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट डिसाइड करने वाले हैं, सोच रहे थे, मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई मैं एक MySQL का वीडियो बनाऊँ, तो क्या मुझे वो वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम थोड़ा सा ऑडियो वीडियो के बारे में बात करते हैं, उसके बाद ये वाली वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म के बारे में सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ने फॉर्म टच नहीं किया, बट हाँ हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें HTML की इस वीडियो में कवर कर ली, और थोड़ा बहुत मैंने बीच बीच में CSS भी कवर कर लिया। तो हम लोग बात करते हैं वीडियो कैसे लगाना है। तो वीडियो लगाने के लिए हम लोग को सिंपली करना क्या है, हम लोग को सबसे पहले तो एक वीडियो चाहिए। तो आप क्या करिए, एक वीडियो डाउनलोड कर लीजिए कहीं से भी, या आप YouTube की वीडियो भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि YouTube की वीडियो कैसे लगा सकते हो। और हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मैं देखता हूँ मेरे डाउनलोड्स में शायद वीडियो पड़ी होगी, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं डाउनलोड्स पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं देखूँगा कोई वीडियो है क्या मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे एक video.mp4 फाइल है, क्रिकेट की वीडियो है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद अपने HTML फोल्डर में आ जाऊँगा यहाँ पे वापस। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर, और फोल्डर में बना देंगे वीडियो, एंटर करेंगे, और फिर हम इसके अंदर चले जाएंगे और अपनी वीडियो को सिंपली क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरी वीडियो यहाँ पे, इसको मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ। सिंपली अगर आप VLC मीडिया प्लेयर से प्ले कर दें तो ये प्ले भी हो जाएगी।
तो प्ले हो जाएगी, तो आप वीडियो देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको देख सकते हैं वीडियो, बट हम इस वीडियो को अपने वेबसाइट में प्ले करना चाहते हैं, तो सिंपली करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे टेबल के नीचे हम यहाँ पे एक हेडिंग लगाएंगे और लिख देंगे, हेडिंग टैग को बंद भी कर देंगे, लिख देंगे गोइंग टू प्ले वीडियो, गोइंग टू प्ले वीडियो, प्ले वीडियो। और यहाँ पे एक HR लगा देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, क्या लगा देंगे, HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपली। और हम एक बार देख लेंगे कि हमारी चीज़ चल रही कि नहीं चल रही, तो आप देखिए HR लग गया और उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ हो गई है और हेडिंग भी आ गई गोइंग टू प्ले वीडियो। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो कैसे यूज़ करना है, तो वीडियो यूज़ करने के लिए आपको एक टैग यूज़ करना है वीडियो, वीडियो और वीडियो टैग, जैसे करोगे आप टैब सिंपली लगा सकते हो, टैब टैब। तो देखिए ये SRC पूछ रहा है, बट आप क्या करिए खुद से टाइप करिए पहले, तो हमने कहा वीडियो, ठीक है वीडियो टैग लगा दिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे वीडियो का सोर्स स्पेसिफाई करने के लिए, दैट मीन्स फाइल स्पेसिफाई करने के लिए आप लगाओगे यहाँ पे एक टैग सोर्स, ठीक है। तो आप देखिए टैब कर सकते हो, सिंपली आप सोर्स लिख के टैब कर सकते हो, बट आप कोड को स्टार्टिंग में टाइप करने की कोशिश करिए, जितना आप टाइप करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो हमने क्या किया, सिंपली एक दूसरा टैग लगा दिया है सोर्स का, तो आप सिंपली आराम से टाइप करिएगा SOURC, ठीक है सोर्स, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे और आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफाई करनी है। इस सोर्स में क्या करना है आपको, सोर्स में यहाँ पे एक SRC टैग लगाना है और अपनी फाइल का पाथ, ठीक है। तो फाइल हमारी वीडियो फोल्डर के अंदर है, आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमारा ये वाला इस वाले पेज पे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, तो पहले वीडियो फोल्डर है फिर वीडियो .mp4 है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली अपने टेक्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे वीडियो पहले फोल्डर फिर स्लैश और फिर फाइल का नाम .mp4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे आपको टाइप बताना होगा कि वो टाइप जो है वो किस टाइप का है, तो हम लिखेंगे ये जो वीडियो है वो वीडियो है किस टाइप का, MP4 टाइप का। और अगर आप इतना अगर करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख पाओगे यहाँ पे वीडियो हमारी आ गई, बट यहाँ पे प्ले वाले नहीं आ रहा है, ठीक है प्ले वाले नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक दो चीज़ और लगाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर हम वीडियो पे आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे कंट्रोल्स, और अगर आप कंट्रोल्स लगा दोगे और अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ आपके पास कंट्रोल भी आ गए, ये देखिए आप इससे प्ले कर सकते हो, आप इसका वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हो, आप यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, पिक्चर इन पिक्चर करके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप कंट्रोल की हेल्प से क्या कर सकते हो, वीडियो के प्ले को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कहीं भी लगा दीजिए, इसकी हाइट विड्थ भी क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो विड्थ, विड्थ हम दे देंगे 400 और हाइट दे देंगे यहाँ पे 300, ठीक है। तो आप यहाँ पे हाइट विड्थ भी क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो, देखिए यहाँ पे 400x300 की वीडियो बन गई और आप क्या कर सकते हो, सिंपली प्ले कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, जो भी वीडियो देख रहा है वो क्या करेगा, ऐसे करके आप वीडियो को लगा सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप चीज़ों को देख लीजिएगा कैसे करना है, ठीक है। इस तरह हम लोग वीडियो लगा सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं। तो हमने इमेज लगाना सीख लिया, वीडियो लगाना सीख लिया, वीडियो चलाना सीख लिया। नेक्स्ट चीज़, अगर आप YouTube की चीज़ों को एम्बेड करना चाहते हो तो आप क्या करिए, सिंपली क्या करिए, सिंपली आप जाइए YouTube, जिस वीडियो पे आप क्या कर सकते हो, जिस वीडियो को भी आप एम्बेड करना चाहते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे चैनल का कोई वीडियो ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली सर्च करिए लर्न कोड विद दुर्गेश और यहाँ पे, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं ऊपर से ही चैनल की लिंक निकालता हूँ, ये JDBC पे ही चलते हैं और JDBC वाली ये वाली वीडियो क्या करते हैं ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो की लिंक, तो आप सिंपली देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शेयर का, इस शेयर पे क्लिक कर दीजिए और शेयर पे आपको ये देखिए यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एम्बेड, इस एम्बेड पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे एक HTML कोड मिल रहा है, ये इस कोड को सिंपली आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद जहाँ भी आपको लगाना है, आप सिंपली जैसे इस वीडियो के नीचे लगाना था तो आप सिंपली VR लगाइए, एक HR लगाइए और वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और सिंपली आप आइए और अपने पेज को क्या करिए, रिफ्रेश करिए। जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो देखिए वीडियो आ गई, यहीं से क्या कर सकते हो, आप प्ले कर सकते हो पूरा, इतना इजी है HTML में चीज़ों को बनाना। तो आप किसी भी वीडियो पे जाके उसका एम्बेड वाला चीज़ कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं इसी iFrame की हेल्प से। तो आप सिंपली क्या लगा दीजिए iFrame, और iFrame में देखिए SRC लिखा हुआ है, SRC में आप किसी दूसरे की वेबसाइट का नाम दे दीजिए, तो मैंने कहा http slash slash
techsoftindia.co.in और आप यहाँ पे दे दीजिए विड्थ दे दीजिए 560 और हाइट दे दीजिए सिंपली 315 और आप रिफ्रेश करिए आके और देखिए, ये देखिए सिंपली वो वाली वेबसाइट भी यहाँ क्या हो गई, एम्बेड हो गई और वो वेबसाइट ओपन हो गई यहाँ पे। इसका मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। इतनी बढ़िया चीज़ है, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। थोड़ा बड़ा ओपन करने के लिए आप यहाँ लगा दीजिए BR और BR इस हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हाइट इन द सेंस थोड़ा बड़ा कर दीजिए, या विड्थ इतनी ठीक है, हाइट को बढ़ाइए 315 है ना, इसको कर दीजिए 800 और आप आइए इस चीज़ पेज को क्या करिए, रिफ्रेश करिए और आप देख पाओगे ये देखिए आपकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन है। इतना सिंपल है चीज़ों को करना। तो मोस्टली हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर लिया, ऑडियो वीडियो इमेजेस यूट्यूब की वीडियोस और यहाँ तक हमने आपको आई फ्रेम की हेल्प से किसी दूसरे की वेबसाइट को भी यहाँ पे एम्बेड करना सिखा दिया। पैराग्राफ हेडिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग HTML को कैसे रन करना है और एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें आप समझ गए होंगे और हम लोग नेक्स्ट HTML के वीडियो में लाने वाले हैं फॉर्म्स और उसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास ID इन सब चीज़ की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए। और MySQL के भी हम लोग क्या करने वाले हैं, वीडियो लाने वाले हैं और सर्वलेट की सीरीज़ तो चली रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।